अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ फ्लावर पोटैटो रोल, वो भी रमजान स्पेशल। तो चलिए बनाते हैं। फ्लावर पोटैटो रोल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ पर उबले हुए आलू आधा किलो ली हूँ मैं, उबाल कर रख ली हूँ। आलू यहाँ पर 2 कप मैं मैदा ली हूँ, मैदे का आटा। यहाँ पर नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, हरिया धनिया, इतना हमें चाहिए बस। बहुत कम मसाले हैं, बहुत टेस्टी बनता है। सबसे पहले हमें मैदे को मिला लेना है, फिर हमें आलू को कद्दूकस करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आटे को मिला लेती हूँ, ना घट ना पतला, हमें मीडियम से जैसा रोटी को मिलाते हैं हमें वैसा ही मिलाना है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल, 1 टीस्पून जितना तेल, बस हमें मिला लेना है अब अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डाल के आटे को हमें अच्छे से गूंद लेना है। जैसा आप रोटी को पराठे को आटा गूंदते हो ऐसे ही आटा इसे गूंद लेना है। यहाँ पर देखें आटा अच्छे से मिल चुका है। थोड़ा सा तेल डालकर मैं थोड़ा इसे रेस्ट में रख देती हूँ। इसे ढककर रख लेती हूँ, तब तक आलू को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, इसे सारे आलू को हमें ऐसे कद्दूकस कर लेना है। यहाँ पर देखिए ऐसे कद्दूकस करने से क्या होता है, बहुत अच्छे से मिल जाता है। जो भी स्टफिंग तैयार करते हो आलू का, कद्दूकस करने से क्या होता है, बहुत अच्छे से ये मिल जाता है। आप मैशर की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत अच्छा होता है। पर आलू को कद्दूकस कर ली हूँ, एक इसमें निकाल ले रही हूँ। अभी इसमें मसाले सौंफ डालकर हमें मिला लेना है। यहाँ पर आधा टीस्पून जितना काली मिर्च, धनिया पाउडर 1 टीस्पून जितना, गरम मसाला, ये घर का गरम मसाला है, थोड़ा ही डालना। अगर आप बाहर से लाते हो गरम मसाला तो 1 टीस्पून डालना है इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, जीरा पाउडर आधा टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी ये कलर के लिए, हल्दी, नमक, नमक आलू के हिसाब से लेना, आटे में भी थोड़ा डालकर हूँ मैं, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून जितना, तीखे के लिए लाल मिर्च कुटी हुई भी जाकर है, हरिया धनिया। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से आलू के साथ इसे अच्छे से मिला लेना है। पर देखिए आलू मसाला अच्छे से मिल चुका है, ये हो गया है। अब हमें रोटी बना लेना है, इसे एक साइड में रख लेती हूँ। यहाँ पर देखिए आटे को, आटा अच्छे से भीग चुका है। अभी क्या करना है, हमें इसके एक सांग के पेड़े बनाना है। हमें रोटी बेल लेना है, एक ही साइज के हमें इसके पेड़े बनाना है। जितना बड़ा जितना छोटा आपके ऊपर जाता है, मैं बनाकर बताती हूँ वही साइज के ले लेना। ये देखिए इतना इतना बड़ा चाहिए। ये देखिए इतने इतने चाहिए। यहाँ पर देखिए एक पेड़ा रख ली हूँ। अभी इस पर सूखा आटा लेती हूँ थोड़ा समय। अभी हमें जैसे रोटी बेलते हैं हमें ऐसे ही इसे बेल लेना है। मैं रोटी के जैसे ही इसे बेल लेती हूँ। ये बहुत बहुत खाने में बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं खाने में। यहाँ पर देखिए एक रोटी तैयार हो गई है। अभी इसमें मैं साइड में रख लेती हूँ। अब ऐसे ही हमें दूसरी को भी बना लेना है। थोड़ा सा आटा लेती हूँ सूखा, फिर इसे भी सेम टू सेम ऐसे ही हमें बेल लेना है।
यहाँ पर देखिए ये भी तैयार हो गई है। ये ज्यादा मोटी भी नहीं और ज्यादा पतली भी नहीं, मीडियम से हमें इसे बेल लेना है। दो भी मैं बेल ली हूँ। अभी क्या करना है, जो स्टफिंग बनाकर रखी हूँ मैं आलू की, हमें इसमें भरना है। यहाँ पर देखिए सारे को हमें लगाना है ऐसे। यहाँ पर देखिए सारे आलू की स्टफिंग सारी रोटी को मैं लगा ली हूँ। ये देखने में अलग सा लगता है, बनाने में बनाकर मैं बताती हूँ, आपको ही पता चलेगा कि ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए अभी इसे दूसरी रोटी को हमें इसके ऊपर हमें डाल लेना है ऐसे ऐसे। ये हो गया, थोड़ा हाथ की मदद से इसे थोड़ा सा हमें ऊपर से हल्का ऐसे दबाना है इसे। थोड़ा सा मैं नीचे से आटा सूखा डाल लेती हूँ क्योंकि चिपक जाता है इसीलिए। अभी हमें इसे कटिंग करना है। ये हो गया, अभी क्या करना है, हमें इसे कट करना है। यहाँ पर देखिए मैं ऐसा आहिस्ता से यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक कट लगा रही हूँ, फिर यहाँ पर एक कट ऐसे लगा रही हूँ, फिर यहाँ पर एक कट मैं ऐसे लगा रही हूँ। अभी इसे फेंकना नहीं, इसे भी हमें रिंग बनाना है। इसे साइड में रख लेती हूँ मैं ऐसे। अभी इसे एक एक करके मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा नहीं ऐसे। ये देखिए सभी को मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ। अभी हमें एक एक उठाना है, इसे यहाँ पर रखना है। ये देखिए ऐसा हमें फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे, ये हो गया है। अभी इसे ऐसे रख देना है और दोनों को यहाँ पर चिपका लेना है। ये देखिए ऐसे प्लेट में रखकर मैं बताती हूँ आपको। अभी दूसरा ले रही हूँ, ऐसे फोल्ड कर लेना है, एक एक करके फोल्ड करना है हमें। फिर इसे दोनों को मिलाना है, फिर इधर से हमें चिपका लेना है। ये देखिए ऐसे सभी को मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। फिर से यहाँ पर मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे, ये हो गया है। अब यहाँ पर बचे हुए, अब इसे क्या करना है मैं आपको और एक तरीका बताकर देती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए इसे क्या करना है, बस ऐसे ही हमें करना है रोल। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर देखिए ऐसे अच्छा लग रहा है ना। ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऐसे। फिर इसे लेना है, फिर इसे फोल्ड कर लेना है। आपको रमजान के लिए मैं बता रही हूँ, आप स्टोर करके भी इसे रख कर बनाकर खा सकते हैं। एक डिब्बे में रख लेना, थोड़ा सा मैदा छिड़क लेना एक डिब्बे के अंदर, फिर इसे एक एक करके रखना, रखकर आप फ्रीज कर भी इसे फ्रीज में रखकर आप स्टोर करके भी इसे बनाकर खा सकते हैं रमजान में। ये देखिए ये भी अच्छा लग रहा है ना, रिबन जैसा ऐसे। अब यहाँ पर मैं तेल भी रख ली हूँ, गर्म हो चुका है तेल भी। अब एक एक करके हमें तेल में तल लेना है। यहाँ पर देखिए तेल भी गर्म हो चुका है। अभी क्या करती हूँ मैं एक एक करके फ्लावर को इसमें डाल लेती हूँ। डालते ही इसे नहीं पलटाना है, एक मिनट इसे ऐसे ही छोड़ना है। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने मज़ेदार लगते हैं। आपके कढ़ाई में जितने जाते हैं आप उतने ही डालना, ज़्यादा मत डालना इसमें। देखिए ऐसे, अब एक प्लेट छोड़ती हूँ, फिर इसे मैं पलट लेती हूँ। इसे डालते ही नहीं पलटाना है, थोड़ी देर ऐसे ही एक प्लेट छोड़ना है, फिर इसे पलटाना है। फ्लावर पटेटो रोल ये बहुत अच्छे रहते हैं, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करके एक बॉक्स में रख लेना है। आप थोड़ा मैदा छिड़किए, फिर इसे रख लीजिए, ऊपर एक कवर रखिए, फिर इसे, फिर एक कवर, फिर इसे ऐसे रखकर आप स्टोर करके आप 8 से 10 दिन इसे रखकर रमजान में इसे तलकर खा सकते हैं। मैं जो भी बता रही हूँ आप रमजान का ही बता रही हूँ, आप लोग इसे लो इसे आराम से बनाकर खा सकते हैं। इफ्तारी में बहुत अच्छा रहता है, इफ्तारी में तो माशाल्लाह बहुत, ये देखते ही बच्चों को बहुत पसंद आएगा, ये बच्चों के लिए बहुत पसंद आ जाता है, बच्चों को, बड़ों को भी बहुत अच्छा रहता है। इफ्तारी में जो भी बनाते हो इफ्तारी में सभी को वो पसंद आता है, अच्छा रहता है। इसे भी जरूर से एक बार ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आता है। ये बनाकर इसे एक बार खाइए,
मैं जो भी बता रही हूँ रमजान का ही बता रही हूँ। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। जो भी देखते हैं वीडियो देखकर ऐसे ही मत छोड़िए, एक थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। अभी से मैं एक मिनट रखती हूँ, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसे पलटती हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे थोड़ा सा, अब मैं इसे पलट लेती हूँ ऐसे। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतने ही अच्छे फ्लेवर लगते हैं, ये पोटैटो फ्लेवर है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए एक एक करके मैं फ्लेवर को निकाल लेती हूँ, बस इतना ही पकाना है, हद से ज्यादा भी इसे नहीं पकाना है। यहाँ पर देखिए ऐसे मसाला कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और ये बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में, देखने में जितने अच्छे हैं खाने में उतने टेस्टी भी लगते हैं। फिर से यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके डाल लेती हूँ ऐसे, फिर इसे हिलाना नहीं, इसे एक मिनट ऐसे ही छोड़ना, फिर इसे पलट लेना है इसे। यहाँ पर देखिए ये हो चुके हैं, निकाल ले रही हूँ मैं इसे, अब दूसरे बनाकर हूँ उसे भी मैं तल लेती हूँ। ऐसे इसे भी ऐसे तल लेना है, बहुत इजी है ना, बहुत इजी लगते हैं खाने में, मजेदार लगते हैं ये। ये देखिए अब इसे भी एक मिनट ऐसे ही छोड़ना, फिर इसे पलटा लेना है। यहाँ पर देखिए ये रोल भी तैयार हो गए हैं, अभी इसे भी मैं निकाल लेती हूँ, गैस को कर लेती हूँ बंद, तैयार हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पोटैटो फ्लावर ये भी तैयार हो गया, फ्लावर रोल। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये देखिए क्रंची, कितने क्रंची बने हैं, मन खाने में तो दिखने में देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं, खाने में तो माशाल्लाह और बहुत टेस्टी लगते हैं ये। यहाँ पर देखिए ये हो गया, यहाँ पर देखिए रिबन रोल, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये भी तैयार हो गया, ये भी देखिए कितने क्रंची बने हैं। यहाँ पर देखिए दो भी मैं तैयार कर ली हूँ, ये रमजान के लिए ही बनाकर आप लोगों को बता रही हूँ, इसे बनाकर खाइए आप लोग, बहुत टेस्टी रहते हैं और बहुत मजेदार रहते हैं ये। यहाँ पर देखिए ये देखिए कितने क्रंची हैं, ये देखिए अच्छे से कट भी हो जाते हैं, खाने में उतने ही मजे के रहते हैं, बहुत क्रंची भी है, सॉफ्ट भी है, अच्छे भी है, बहुत अच्छे है, आवाज भी अच्छे से आ रही है, क्रंची आवाज भी बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत टेस्टी बने हैं। इफ्तार में रोजदारों को बहुत पसंद आएगा ये, बहुत बहुत पसंद आएगा, माशाल्लाह सच में बहुत अच्छे हैं। ये देखिए आज फ्लावर पोटैटो रोल बनाई हूँ मैं, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी भी बने हैं, मैं खाकर भी बताई हूँ बहुत टेस्टी बने हैं। ये आप लोगों को रमजान के लिए ही बनाई हूँ मैं, इसे जरूर से बनाकर खाइए आप लोग, अच्छा रहता है, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, मैं बताई हूँ ना डिब्बे में रखकर आप स्टोर करके खा सकते हैं, इसे बनाकर कम से कम एक 8-10 दिन तो रहता है ये, ऐसे है। अगर आपको ऐसे बनाकर नहीं रखना स्टोर करके, तो आप आलू की जो भी स्टफिंग मैं बताई हूँ उसे बनाकर डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए, आटा गूंदना है बस इसे मिलाना है, बनाकर खा लेना है, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, इसे जरूर से बनाकर रमजान में खाइए, इफ्तारी के लिए बहुत अच्छा है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए, कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।